नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ सवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों आज नशा मुक्ति की सीरीज में हम बात करेंगे स्मैक के नशे पे। स्मैक का नशा यानी जीवन का नाश। स्मैक का नशा हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी फिजिकल लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता कि आखिर स्मैक होती क्या है, कैसी दिखती है, कैसे इसका सेवन करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बातों को समझते हैं कि स्मैक होती कहाँ है, कहाँ से आती है और किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे हमारे शरीर के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ्स है कि स्मैक के नशे से ये फायदे होते हैं। तो हम आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर स्मैक हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करती है। दोस्तों स्मैक का नशा आजकल वर्तमान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रखा है। स्मैक एक वाइट पाउडर जैसा होता है और बेसिकली स्मैक आता कहाँ से है? स्मैक का जो प्रोडक्शन है वो ओपियम से होता है। ओपियम यानी अफीम। अफीम का एक पौधा होता है, उस पौधे पे इस तरह का फल लगता है और वो जो फल है उसके ऊपर जब वो कच्चा होता है तो उस पर चीरे लगाए जाते हैं इस तरह से, और चीरे लगते हैं तो फिर यहाँ से दूध निकलता है, उसे वाइट वाइट दूध निकलता है। उस दूध को इकट्ठा किया जाता है, ये इकट्ठा होने के बाद में थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा ललासी ले लेके हो जाता है। अफीम की खेती हमारे देश के अंदर लीगलाइज है, गवर्नमेंट है वो इसके लिए सर्टिफिकेट देती है, लाइसेंस देती है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में आप खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान कई बार क्या होता है कि जो खेती करते हैं उस खेती के अंदर कुछ अफीम है जो बच जाती है और बचने के बाद वह मार्केट के अंदर आ जाती है और मार्केट में आने के बाद में इसका मिसयूज होता है और मिसयूज होने के बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि इससे ही स्मैक बनाया जाता है। अफीम जो होता है, ओपियम जिसको कहते हैं, इसको हम काला सोना भी कहा जाता है। इसको हम काला सोना कहते हैं। काला सोना इसलिए कहते हैं कि सोने के जैसा ही महंगा होता है और ये सूखने के बाद में इस तरह का हो जाता है और ये हमारे लाइफ के अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको काला सोने की संज्ञा दिया जाती है। आदि काल के अंदर, प्राचीन काल के अंदर अफीम का बहुत उपयोग हुआ करता था, क्योंकि अफीम के अंदर दो केमिकल होते हैं जो बहुत ही पोटेंट पेन किलर होते हैं। उसमें एक होता है मॉर्फिन और एक होता है कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन दो केमिकल सब्सटेंस हैं। ये दोनों सब्सटेंस की बहुत अच्छी आदत होती है, बहुत अच्छी पोटेंसी होती है कि ये बहुत दर्द निवारक होते हैं। पहले जब बहुत सारे मेडिकल साइंस के अंदर इतना इनोवेशन नहीं हुआ था तो लोग कैंसर से जो पीड़ित होते थे, जिनके दर्द ऐसे नहीं दर्द होता था, उनको अफीम का सेवन करवाते थे। जिनको हार्ट अटैक आता था उनको दर्द जो सहन नहीं होता था उसमें ये इसका सेवन करते थे। और जैसे कोई फ्रैक्चर का दर्द है उसके अंदर दर्द है वो सहन नहीं हो रहा था तो अफीम का उपयोग करते थे। अफीम के बाद में गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया और हमें इसको मेडिसिन के रूप में भी काम में लेने लगे। जैसे हम खांसी की शीशी में काम में लेते हैं, हम इसको पेन किलर दवाइयों के अंदर काम में लेते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि अफीम जो है उससे स्मैक कैसे बनती है। दोस्तों अफीम को, ओपियम को एक केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, एसिटिक एनहाइड्रेट नामक सब्सटेंस है। एसिटिक एनहाइड्रेट से केमिकल रिएक्शन की करवाई जाती है जिससे डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम का एक सब्सटेंस बनता है। डाई एसिटाइल डाइएसिटाइल मॉर्फिन नाम का एक सब्सटेंस बनता है। हमें एक किलो अफीम से जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन यानी कि स्मैक वो हमें 50 से 80 मिलीग्राम ही मिलती है। अब आप समझ सकते हो कि स्मैक जो बनती है वो अफीम से बनती है। अफीम की मार्केट में रेट होती है 1.5 से 2 लाख रुपए। इसको एसिटिक एनहाइड्रेट नाम के एक एंजाइम से रिएक्शन करवा के डाइएसिटाइल मॉर्फिन बनाया जाता है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन वो 50 से 80 मिलीग्राम ही बनता है, 80 ग्राम ही बनता है। तो आप सोचिए कि इसकी कॉस्ट बहुत महंगा हो गया है, इसलिए स्मैक का सेवन जो है वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है।
अब जो स्मैक है वो लेते कैसे हैं, स्मैक को इसका जो नशा कैसे किया जाता है, स्मैक एक वाइट पाउडर होता है, उस पाउडर जैसे टालकम पाउडर होता है जो हम यूज करते हैं घरों में, उसी तरह का पाउडर होता है। इसका नशा करने वाले जो सेवन करते हैं वो एक फॉइल पेपर लेते हैं, फॉइल पेपर के ऊपर उस पाउडर को रखते हैं और नीचे से आग लगाते हैं, और आग लगाने के बाद जो इससे ऊपर धुआं उठती है, जो उस धुआं को इनहेल करते हैं, स्मोक करते हैं, उसको सूंघ के और उसका सेवन करते हैं। इसी जो अफीम है, इस अफीम और स्मैक से इसी का आगे केमिकलाइजेशन करके हीरोइन बनती है, चिट्टा बनता है और ब्राउन शुगर बनता है। चिट्टे की बात करें, चिट्टा हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, उसमें चिट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जाता है, उसका नशा किया जाता है। ब्राउन शुगर है वो सिंथेटिक है, ये बहुत महंगे नशे होते हैं, इसी के डेरिवेटिव होते हैं और इसी केमिकल रिएक्शन करके उसको कंसेंट्रेट फॉर्म कर करके और इसको आगे से आगे तैयार किया जाता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ्स है कि इस नशा करने से सेक्स पावर बढ़ जाती है, नशा करने से हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, एक इंसान 10 लोगों के जितना काम कर सकता है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें का जो नशा करते हैं उनके अंदर दो तरह के इफेक्ट आते हैं, एक आता है शॉर्ट टर्म और एक आता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ समय के लिए शरीर के ऊपर उसका प्रभाव क्या आता है, जब भी इंसान स्मैक का नशा करता है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट आते हैं कि उसको सबसे पहले उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो सम्मित हो जाती है, उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उनका उनको सप्रेस कर दिया जाता है, सम्मित कर दिया जाता है, सुन्नपन आ जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे दुख दर्द एक बार टेम्परेरी रूप से रिलीफ में आ जाते हैं और उसको कुछ महसूस नहीं होता है। इंसान को इस समय ऐसा लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है, एक फीलिंग ऑफ सेंस जो वेलबींग की सेंस है वो इससे आती है। बहुत सारे लोगों के अंदर इसका दर्द निवारक एक्शन काम करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्मैक और अफीम के अंदर दर्द निवारक कैपेसिटी होती है, तो ये जो इसका पेन किलर एक्शन है, पेन किलर एक्शन की वजह से इस किसी भी इंसान या किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति के अंदर शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द हो रहा होता है, तो वो एक बार इससे टेम्परेरी रिलीफ आ जाता है और जिसके चलते उसको ये लगता है कि मेरे शरीर के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया है। एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है रिवॉर्ड सर्किट। रिवॉर्ड सर्किट हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रल टेगमेंटम एरिया एक्टिवेट होता है और जिससे हमें प्लीजर फील होता है, और प्लीजर फील होने की वजह से वो सब्सटेंस बार बार लेने के लिए व्याकुल हो जाता है इंसान। शॉर्ट टाइम के लिए हल्का सा सेक्सुअल प्लीजर मिलता है, सेक्सुअल जो इजेकुलेशन टाइम है वो बढ़ जाता है और इसके चलते लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये थोड़े समय के लिए होता है। जब इंसान इसका आदी हो जाता है और नशा रोज रोज करने लग जाता है तो उसके लॉन्ग टर्म में जो साइड इफेक्ट्स है वो आते हैं। अब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, जब भी इंसान नशे का बहुत लंबे समय तक उपयोग करता है तो सबसे पहले वह इस चीज का आदी हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है, उसके अंदर एडिक्शन आ जाता है। डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि उसका शरीर उसका आदी हो गया, अब वह नशे के बिना नहीं रह सकता है, उसको नशा किसी भी फॉर्म में लेना पड़ेगा। जब वह नशा नहीं लेता है तो उसके शरीर में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसकी आंखों से पानी आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दस्त लगने जाता है, बिस्तर से उठने जैसी हालत नहीं होती है और उसको इस टाइम पे इतना वीकनेस और इतना गुस्सा आता है कि वह नशा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह चोरी कर सकता है, किसी को मार सकता है, मर्डर कर सकता है, किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है, वह हिंसक बन सकता है। तो सबसे ज्यादा जो इसका साइड इफेक्ट आता है वह ये है। दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो पहला इसकी डिपेंडेंस हो गई, दूसरा साइड इफेक्ट सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल जो लाइफ में जो प्लीजर है, जो शॉर्ट टर्म से बेनिफिट मिल रहा था वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लंबे समय तक नशे का सेवन करने पर सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है और जो इरेक्शन या इजेकुलेशन है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं। अगर हम शारीरिक बात करें, फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक स्मैक या किसी भी तरह का नशा सेवन करने से हमारा ब्रेन, हमारे लीवर, हमारी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और अंत में आदमी को मृत्यु हो जाती है।
वहीं दूसरे साइड इफेक्ट की बात, साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों नशा करने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वह नशे में डूबा रहता है, जिसके चलते उसकी सोशल लाइफ, उसकी इकोनॉमिक लाइफ और उसकी फिजिकल लाइफ तीनों खराब हो जाती है। नशे का आदि व्यक्ति पूरे दिन नशे में डूबा रहता है, नशा करता रहता है और अकेला गुमसुम रहता है, जिसके चलते वह अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अकेलेपन के अंदर रहने की उसकी आदत हो जाती है, जिसके चलते उसके सोशल रिलेशन खराब हो जाता है, वह अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाता, अपने जॉब पे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसकी जॉब छूट जाती है, बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखता, उसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बीवी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या फिर वह डाइवर्स जैसे कदम भी उठा लेते हैं। वही इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है, वह धीरे धीरे अपनी सारी सेविंग बेच के नशा कर लेता है, उसके बाद में वो अपना घर बेच देता है, गाड़ी बेच देता है, अपनी जमीन बेच देता है और फिर वो चोरी करने लग जाता है, चोरी करते करते वह जेल तक पहुंच जाता है, इस तरह के वह क्राइम के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो उसकी बहुत सर लंबे समय तक नशा करने से उसकी लीवर, किडनी, ब्रेन सब खराब हो जाते हैं और अंत के अंदर उसको सुसाइड जैसा घातक कदम उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब